नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 44 में और मैं हूं आपके साथ यशिका गर्ग। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली लगातार पोल्यूशन की मार झेल रही है। ऐसे में दिल्ली का जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के पार पहुंच गया। आपको बता दें कि AQI 50 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि दिल्ली का AQI कितना ज़्यादा खतरनाक हो गया, जिसके चलते दिल्ली वासी जहरीली सांस लेने को मजबूर हो गए। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं दिल्ली स्थित घंटाघर में। सरकार मतलब कि OD1 चलाने के लिए कह रही है 13 से 20 में, उसमें उसके बीच में कुछ लोगों के काम धंधे भी ठप होंगे, ठीक है, कुछ भी मतलब कि वो जाएंगे भी, तो उसमें आपकी क्या राय है, मतलब कि क्या कहना चाहेंगे आप इस पे कि ये मुहिम सही है? नहीं, OD1 से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, तो OD1 से आई डोंट थिंक कि कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और डेफिनेटली जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनके काम पे तो फर्क पड़ेगा इसमें कुछ। हाँ, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रियल बिल्कुल बिल्कुल हो गई, जो भी मतलब कि इन सब में तो बहुत फर्क पड़ेगा, तो इससे सिर्फ काम धंधे को जैसे पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है OD1 का, उसमें यही है कि जैसे जो फीमेल्स हैं, भाई मेल तो फिर भी स्कूटर या बाइक चला के जा सकता है, लेकिन जो फीमेल हैं, जो फीमेल एम्प्लॉई हैं या जो फीमेल जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना इफेक्टिव है नहीं, तो OD1 तो मैं नहीं लगता कि ये इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो मतलब कि आपको ये लगता है कि पोल्यूशन का जो भी AQI स्तर है वो OD1 से कम नहीं होगा? नहीं, मुश्किल है। एक दो परसेंट फर्क पड़ सकता है, ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2% फर्क पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन के लिए बहुत दूसरे फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जैसे कि अब सरकार ने ये भी बोला था कि कृत्रिम बारिश करेंगे यानी कि आर्टिफिशियल रेन करेंगे, लेकिन उसी में आज बारिश हो चुकी है। देखो जी, ये तो इट इज गॉड ग्रेस की बारिश हो गई, बाकी अगर वो करवाते तो तब देखते कितना इफेक्ट पड़ता। अभी तो खाली वो पेपर्स में ही था कि भाई जो है आर्टिफिशियल रेन के लिए, लेकिन आगे आगे तो दिवाली भी आ रही है और लोग कुछ हालांकि पटाखों भी बैन है, लेकिन लोग तो जलाएंगे ही, लोग नहीं मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग जलाएंगे। बिल्कुल, तो फिर उसके दौरान भी मतलब कि जो पोल्यूशन होगा वो भी तब भी बढ़ेगा? देखिए मैम, पोल्यूशन जो ना इट इज ए पार्ट ऑफ द मेट्रोपोलिटन सिटीज। आप जो मेट्रोपोलिटन सिटीज, चाहे मुंबई है, चाहे आप दिल्ली है, चाहे जो बड़े बड़े शहर हैं, उनका एक पार्ट है पोल्यूशन, क्योंकि इतनी सारे आप व्हीकल कि आप व्हीकल के जो नंबर है संख्या, उस पर आप कमी नहीं कर रहे। रोज दिवाली पे धनतेरस पे कितनी सारी नई गाड़ियाँ ऑन रोड आ जाएंगी। तो जो फैक्टर जैसे कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन पे कोई ज़्यादा आप बैन कर नहीं रहे, जब थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ता है तो आप कंस्ट्रक्शन पे भी कुछ नियम बनाने चाहिए ना, कि कोई भी आदमी कहीं भी कुछ भी तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, उसमें भी कुछ नियम बनाइए। आगे आगे तो जैसे दिवाली पे पराली भी जलाई जाएंगी दिवाली के बाद, ये हर एवरी ईयर ये यही होगा। जब तक आप कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं लेकर आएंगे पोल्यूशन को कम करने की, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला। ख्याल से आपकी अगर आपकी बात करी जाए तो आपके हिसाब से क्या सही है, मतलब कि क्या सरकार को लागू करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो जो फैक्ट्रीज हैं जो दिल्ली के अंदर ही हैं, जैसे आपका ये वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट सब भी जो है दिल्ली के अंदर हैं, तो उनमें जो पोल्यूटेंट्स हैं, उन जो पोल्यूशन स्प्रेड करती हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको फैक्ट्रियों में वहाँ जगह भी मिल गई बवाना में, लेकिन वो लोग जा नहीं रहे हैं, तो वो ख़त्म होना चाहिए। दूसरा कि भाई जो अब इन्होंने बैन लगा दिया कि भाई जो ज़्यादा धुआं देते हैं पुराने व्हीकल हैं, कितने सारे व्हीकल मैं दिखा दूँ आपको रोड पर जो जा रहे हैं, आपने भी देखा हुआ, अभी 2-3 स्कूटर वाले गए थे, कितना धुआं छोड़ते जा रहे थे। तो जब तक उस पर चेक नहीं होगा, आप पॉलिसी बनाते हो लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंट ठीक से करिए। तो मतलब कि आप इन सब में एक तरह से सरकार की नीति को ही दोष लगा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सरकार की नीति पे मैं दोष नहीं दे रहा, मैं ये कहता हूँ कि हमारी जनरल पब्लिक की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सब कुछ सरकार पर थोप के खड़े हो जाओ, वो नहीं हो सकता। अब मुझे पता, मेरा स्कूटर 20 साल पुराना है और वो धुआं छोड़ रहा था, ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं उसको नहीं चलाऊँ, तो सरकार क्या करेगी उस मामले में? सरकार ने नियम बनाने, नियम फॉलो करना पब्लिक का काम होता है, जब पब्लिक उसको वायलेट करती है तो देट शुड बी पनिश्ड। हम तो ये चाहते हैं जी इसी तरीके से पोल्यूशन हट जाए, बारिश होने की वजह से पोल्यूशन हट गया, और लोगों से अपील करते हैं कि दिवाली में पटाखे ना जलाएं, पोल्यूशन ना फैलाएं किसी तरीके से, और अपने आप को खुशहाल त्यौहार में अच्छी तरीके से बनाएं। खांसी हो रही है, उससे आँखों में जो है तकलीफ हो रही है, और कब बलगम वगैरह ज़्यादा आ रहा है, और परेशानी ऐसी, शरीर जो है ज़्यादातर काम नहीं करता, ऐसी मरा मरा सा रहता है। मैडम, इसी कारण तो हमारे वालों में गले में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण जो हो रहा ना, बहुत ज़्यादा कहीं भी वाले तो कुछ सुन रहे नहीं है हमारे बारे, हम ये देख लो घंटा करे प्रदूषण बहुत बुरा हाल है। अच्छा सरकार, अब जो ये मुहिमें ला रही है OD1 चलाने की सोच रही है 13 से 20 तारीख के बीच
मैडम कुछ होगा या नहीं? नहीं मैडम, लागू होना चाहिए। तो ये थी दिल्ली के कुछ लोगों की राय। हर किसी की राय अलग अलग थी, सबने अपनी अपनी राय साझा करी। किसी का कहना है कि सरकार की नीतियों में ही कुछ कमी रह गई है, तो किसी का कहना है कि क्या पता इन नीतियों से पॉल्यूशन स्तर में यानी कि AQI में कुछ गिरावट आ सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं यशिका गर्ग, न्यूज़ 44 दिल्ली।